गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं आज कि हम आज जो है सेकंड जो सप्लीमेंट्री रीडर है हमारी विस्टाज, उसका चैप्टर जो है वो आगे हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो हमने फर्स्ट चैप्टर किया था, तो आज हम जो है इसका सेकंड चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है द टाइगर किंग, तो वो स्टार्ट करेंगे। तो टाइगर किंग से आपको थोड़ा अंदाज़ा हो ही गया होगा कि कुछ टाइगर की तरह ही जो है इस किंग का जो है कुछ होगा, जो करैक्टर है तो वो सच में वैसा ही है। तो चलो रीड करते हैं, देखते हैं कि कैसे इस किंग का नाम टाइगर किंग पड़ा, क्यों इसको टाइगर किंग कहा जाने लगा। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बींग्स टूवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स? तो मेनली वाइल्ड एनिमल्स के बारे में हम क्या सोचते हैं, हमारी कैसा हमारा एटीट्यूड होता है? तो बेसिकली ये स्टोरी जो है हमारे एटीट्यूड को जो है वाइल्ड एनिमल्स के लिए जो हमारा एटीट्यूड है, हमारी सोच है, हमारा नज़रिया है, उसके लिए उसको बताता है। ठीक है, तो हियर इज़ आवर स्टोरी। द महाराजा ऑफ प्रतिभानंदमपुरम इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। तो राज्य का नाम था, किंगडम का नाम था प्रतिभानंदमपुरम, तो उसके राजा की जो है वही स्टोरी है, वही हीरो है। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमेदर जनरल किलेदार मेजर सताव्याग्रह साम्राहिरी महाराजा धीराज विश्वा भुवना सम्राट सर जिंग लानी जंग जंग बहादुर। तो देखो कितना बड़ा नाम है। ठीक है, तो महाराजा धीराज विश्वा भुवाना सम्राट सर जिलानी जंग जंग बहादुर, ये मेनली नाम हुआ। MADACTC और CRCK, तो ये सारे आगे पीछे के नाम सारा के सारे जो हैं ये उसी के नाम हैं हमारे टाइगर किंग के। बट दिस नेम इज़ ओफन शॉर्टेंड टू द टाइगर किंग। कहते ये बेशक जितना मर्जी लंबा नाम है लेकिन टाइगर किंग नाम के सामने ये सारे के सारे छोटे पड़ जाते हैं। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। तो कहते अब मैं चलो आपको बताता हूँ, हमारा जो मेन जो नरेटर है स्टोरी का वो कहता है कि बताता हूँ कि टाइगर किंग क्यों नाम पड़ा। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विड्रॉल। कहते मेरी कोई ऐसी सोच नहीं है कि मैं कुछ प्रिटेंड करूँ एडवांस में कि ऐसा था जी वैसा था। तो मैं कहते सीधे स्पष्ट डायरेक्ट आपको बताता हूँ। इवन द थ्रेट ऑफ स्तुका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ अटैक ट्रैक। कहते अगर बॉम्ब भी कुछ पड़ जाता है ना, गिर जाता है, तब भी जो कहते प्रलय भी चाहे एक तरह की आ जाए, तब भी मुझे मेरे ट्रैक से जो है वो नहीं हटाती है। ऐसी ही एक वो आपने कहानी स्टोरी पढ़ी थी ना लास्ट ईयर, रंगाज मैरिज, तो उसमें भी कैसे वो जो है ऑथर जो था वो कैसे घुमा फिरा के बातें कर रहा था। तो वैसे ही यहाँ पर भी जो है वो कि ऑथर जो है वो थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है आपका। दस्तु का इफ़ इट लाइक्स कैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माय स्टोरी। कहते हैं दस्तु का भी चाहे तो वो मेरी स्टोरी से कुछ ना कुछ रिट्रीट जो है वो कर सकता है। चलो लेट्स स्टार्ट। राइट एट द स्टार्ट इट इज़ इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इम्पॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। तो कहते हैं वो स्टार्ट में ही जो है मैं ये मैटर जो है डिस्क्लोज करना चाहूँगा कि टाइगर किंग के बारे में। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिज़ायर टू मीट अ मैन ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज फेस टू फेस। तो कहते जो भी इस स्टोरी को, इस एक्सपीरियंस को पढ़ेगा, जो भी स्टोरी को रीड करेगा, उसका जो है वो खुद उस किंग से जो है पर्सनली फेस टू फेस जो है वो कहते उसका जो है डिज़ायर होगी कि मैं भी उस राजा से मिलता, देखता क्या था, कैसे है, क्या इनकी क्या उसमें ऐसी खासियत थी। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। कहते लेकिन अब इस इच्छा को, इस डिज़ायर के पूरे होने के कोई चांसेस नहीं। एज भारता सेड टू रत्ना सॉरी टू रामा अबाउट दशरथा द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल अबॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। तो कहते जब भारत ने भी राम को जो है दशरथ के बारे में बताया था कि उनके पिता दशरथ जो हैं वो
स्वर्ग सुधार गए हैं। तो कहते टाइगर किंग भी जो है वहाँ पर उस मुक्ति के द्वार तक पहुँच चुके हैं जहाँ हर कोई जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो जाते हैं। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड। तो सिंपल सी कहते हैं दूसरे शब्दों में यही कहूँगा कि टाइगर किंग मर चुका है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। कहते उसका जो मरना है यही एक अलग सी बात है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक असाधारण सी बात है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। तो कहते हैं कि ये इस कहानी के लास्ट में ही इसका खुलासा जो है वो होगा। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिस्माइज वॉज दैट एज सून एज ही वॉज बॉर्न एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई। तो कहते कि उसका जो डिमाइस था, उसका जो मरना था, उसका जो अंत था, वो एस्ट्रोलॉजर्स ने, ज्योतिषियों ने उसी टाइम ही बता दिया था कि जब उसका जन्म हुआ था। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर्स ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस। बट कहते कि बच्चा जैसे वो इनकी भविष्यवाणी करने लगे कि ये बच्चा जो है योद्धाओं का योद्धा होगा, हीरो का हीरो होगा, चैम्पियन का चैम्पियन होगा। लेकिन दे बिट देयर लिप्स एंड स्वैलोड हार्ट। तो अब वही रुक जाते हैं, हिचकिचाते हैं, अपने होंठ काट खाने लगते हैं, काटते हैं, मतलब कि ये सीन दिखा रहे हैं कैसे वो घबरा जाते हैं एकदम से। व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट। तो जब उसके फादर ने, टाइगर किंग के फादर ने उनको कंपेल किया कि बताओ आगे बोलो, तो एस्ट्रोलॉजर्स ने ये बात कही, दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल। तो कहते हैं ये तो एक सीक्रेट है जो कि सामने नहीं आना चाहिए। एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट। और जबकि हमें ये बोलने के लिए फोर्स किया जा रहा है, हमें कंपेल किया जा रहा है। द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट हिज डेथ। तो कहते हैं इस नक्षत्र, स्टार यहाँ पर तारा नहीं, एक तरह से नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र होते हैं ना। तो कहते हैं कि इस नक्षत्र में जन्मे वाले जो भी बच्चा है उसको एक ना एक दिन उसकी डेथ होगी। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिराकल हैव टू प्लेस। कहते उसी टाइम जैसे ही उन्होंने बोला कि बच्चे को मरना है, तो वो एक अचानक मिराकल हुआ, एक जादू हुआ उस टाइम। एन एस्टॉनिशिंग फ्रेज अमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day-old जिलानी जंग जंग बहादुर, ओ वाइज प्रोफेट्स। तो कहते एक बहुत ही अचंभे वाली बात हुई कि 10 दिन का जो बच्चा था, अभी 10 दिन हुए थे उसको जन्म लिए हुए, तो उसके मुंह से जो है कुछ शब्द जो है वो निकले। और वो कौन सा बच्चा था? जिलानी जंग जंग बहादुर। तो कहते हैं हे बुद्धिमान प्रोफेट्स, प्रोफेट्स एक तरह से हम बोल सकते हैं कि कठपुतली। तो यहाँ पर तो जस्ट उनको जो है बोला कि बुद्धिमान हो आप मेरी बात सुनो। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टपफैक्शन। तो सभी के सभी जब से देखा कि 10 दिन का बच्चा जो है वो बोल रहा है, तो सभी के सभी जो है वो एकदम से डम स्ट्रक रह गए, मतलब कि एकदम से सुन हो गए। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। एक दूसरे की तरफ हैरानी से देख रहे थे, अपनी आंखें झपका रहे थे, मतलब कि वो देख रहे थे हम कहीं सपना तो नहीं ले रहे कि 10 दिन का बच्चा बोल उठा है। ओ वाइज प्रोफेट्स इट वॉज आई हू स्पोक। तो कहते सुनो बुद्धिमानो, ये तो मैं बोल रहा हूँ। दिस टाइम देयर वॉज नो ग्राउंड फॉर डाउट। तो अब कहते कि कोई भी जो है शंका, कोई डाउट रही ही नहीं थी। It was the infant born just 10 days ago who had enunciated the words so clearly. तो कहते हैं कि ये 10 दिन का जो बच्चा था, जो अभी जिसको 10 दिन हुए थे, जन्मे हुए, तो उस वो ही जो है वो बिल्कुल साफ क्लियरली बोल रहा था। The chief astrologer took off his spectacles and gazed intently at the baby. तो वो जो मेन ज्योतिष था उनका, हम बोल सकते हैं कि आजकल आप देख भी रहे हो टीवी में कि होता है ना, गुरु होता है एक राजगुरु जिसको हम बोल सकते हैं, तो ऐसे ही वहाँ पर भी जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था सभी का, उसने अपना चश्मा उतारा और बड़े ही ध्यान से बच्चे को देखने लगा। ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई। तो बच्चा बोल रहा है, कहते जो भी इस दुनिया में आया उसको एक दिन मरना ही है।
वी डोंट नीड योर प्रडिक्शंस टू नो दैट. इसके लिए तुम्हें प्रडिक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें तुम्हारी प्रडिक्शन जानने की, भविष्यवाणी करने की हमें ज़रूरत नहीं है कि तुम जो भविष्यवाणी कर रहे हो. देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस मैनर ऑफ दैट डेथ. कहते तब भी हम कुछ इसमें मतलब समझें, इसका मतलब सही समझें कि अगर तुम हमें बताओ कि हम कैसे मरेगा, कि मैं कैसे मरूँगा. द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्विकी वॉइस. किसी आवाज़ में वो छोटा सा बच्चा जो है वो राज घराने का जो बच्चा था वो बोल रहा था. द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर. तो वो जो मेन एस्ट्रोलॉजर था वहाँ का, तो वो जो है बस उसकी जो है वो अपने नोज में, कहते कि हैरानी के साथ सोचते सोचते अपने नाक में ही जो है वो उंगली डाल लेता है. अ बेबी बियरली 10 डेज ओल्ड ओपन्स इट्स लिप्स इन स्पीच. तो सिर्फ कहते 10 दिन का बच्चा जो है वो इतना कुछ जो है वो बोल गया उनके सामने. नॉट ओनली दैट, इट ऑल्सो रेज इज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस. कहते यही नहीं बल्कि उसने तो एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी बोल दिया. इनक्रेडिबल, रादर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वॉर ऑफिस दैन फैक्ट्स. तो कहते बहुत ही अद्भुत था ये नज़ारा. तो कहते हैं कि जैसे वॉर टाइम पे बुलेटिन्स जो है बिना इनकी फैक्ट्स के बजाय जो है बुलेटिन्स जो है वॉर ऑफिस से जो है जैसे इशू होते हैं, तो वैसे ही सब कुछ उसने बोला. द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस. तो फिर अब जो है जो चीफ एस्ट्रोलॉजर जो है अपनी नाक से उंगलियाँ निकालता है और अपनी आँखें जो है उस छोटे से राजकुमार के ऊपर जो है वो गाड़ देता है, मतलब उसको देखता है. द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आर ऑफ द बुल. तो कहते कि ये बुल के नक्षत्र में कि उस घंटे में जो है पैदा हुआ है. द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन. कहते जो बुल है और टाइगर है ये दोनों आपस में नहीं बनते हैं, तो उनकी एनिमीज हैं. तो इसका मतलब कि टाइगर के नक्षत्र में जो है, सॉरी बुल के नक्षत्र में जो है इसका जन्म हुआ है. वृश्चिक राशि हम बोल सकते हैं उसको हिंदी में, जैसे आपने सुना ही है ना वृष वृश्चिक, तो साइन भी आपने देखे होंगे. तो ऐसे ही कहते हैं इस नक्षत्र में, इस राशि में इसका जो है जन्म हुआ है. तो टाइगर और बुल जो है वो दोनों एनिमीज हैं. तो अब बुल में इसका जन्म हुआ है इस नक्षत्र में, तो अब इसका मतलब इसकी जो डेथ है वो टाइगर के साथ होगी. ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही चैप्टर. तो नेक्स्ट में जो है हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड. सो बाय बाय.